नमस्कार दोस्तों, कॉकटेल जॉकी के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आपको कॉकटेल्स के डिफरेंट स्टाइल बताएंगे कि किस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट कॉकटेल्स बना सकते हैं डिफरेंट मेथड्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कॉकटेल जॉकी में आप सबका स्वागत है। कॉकटेल्स, वाइन, स्पिरिट्स के बारे में हर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कॉकटेल जॉकी और बेल आइकॉन नोटिफिकेशंस बटन प्रेस करके हर दिन देखिए कॉकटेल और स्पिरिट्स एपिसोड्स। तो हम कुछ जापनीज शेकिंग के बारे में बात करेंगे। जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने सीखा है, वो मैं आप सब शेयर करूंगा आज। तो बेसिकली इसके लिए हमें चाहिए होगा 3-पीस शेकर, इसको आप कॉबलर शेकर बोलते हैं। आप इसको क्लोज करने के लिए ये आपके पास ये जार है, ये कैप है, इनको ऐसे लगाइए और क्लोज कर दीजिए। कभी भी आप खोलने के लिए इसका ढक्कन निकालिए और कॉकटेल्स को पोर कर दीजिए। बट अगर आपको कभी आप ऐसे करके इसको ऐसे लगाओगे तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और ये जो है ये जो कैप है वो पॉप अप करके बाहर आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम लोग अगेन इसको खोलेंगे। यहाँ पे जब मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था तो मैंने राइस कुछ लिया था कुछ वीडियोज़ को देख के, और मैं तब से वही चीज़ यूज़ करता हूँ। आप राइस लीजिए, आप अपना एक रिदम बनाइए। इसके 3-4 मेथड है, एक है 2-वे, एक है 3-वे। 2-वे डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होता है, 3-वे आपका डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो आइए देख सकते हैं कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आप ब्राउन स्पिरिट्स को भी शेक कर सकते हैं। ब्राउन स्पिरिट का शेकिंग मेथड जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो ये भी मैंने सीखा है, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप भी सीखिए। तो पहले हम देखते हैं कि राइस के साथ हम रिदम कैसे बना सकते हैं। आपने देखा होगा आप ऐसे ऐसे करोगे, आपको एक साउंड सुनाई देगा। आप जब 2-वे करते हो तो इसमें क्या होता है कि ये जो पार्ट है, पहले आप शेकर के अंदर जितनी भी आइस है जो भी है उसको फुल करते हो यहाँ पे। उसके बाद जो आपका लिक्विड है वो बैक एंड फ्रॉथ जाता है और ट्विस्ट करता है, बैक एंड फ्रॉथ जाता है और ट्विस्ट करता है। तो आप ऐसे ऐसे करना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए कि राइस का साउंड पहले इम्प्रूव कीजिए कि कैसे आप लोग उस राइस के साउंड को अपना अच्छे से सुने और 2-वे में उसको बदले। अब मैं आपको 2-वे करके दिखाता हूँ कि कैसे हो सकता है 2-वे। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा हाथ है वो ट्विस्ट हो रहा है बाद में। तो मतलब मैं अपने लिक्विड को पहले आगे पीछे फेंक रहा हूँ, उसके बाद उसको ट्विस्ट कर रहा हूँ, फिर मैं उसको वापस लेके आ रहा हूँ। तो ये चीज आपको सीखनी है। इसके बाद इसमें आपका 3-वे मेथड भी है, उसके लिए भी आपको साउंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 3-वे मेथड मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए कि कैसे कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3 जो 3 साउंड आ रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे मेरा जो हैंड है उसकी रिस्ट मूवमेंट हो रही है, मैं अपनी ड्रिंक को बैक एंड फ्रॉथ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ और वापस लेके आ रहा हूँ। तो वो बहुत ज़रूरी है इस शेकिंग के लिए, जो कि जापनीज स्टाइल शेकिंग में होता है। इसको ये लोग हार्ट शेक बोलते हैं। अगर सपोज कीजिए हम लोग, जैसे अभी हम लोग नहीं बोलूँगा, मतलब जो कुछ बार्टेंडर्स को देखा होगा या फिर आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो आप देखेंगे बहुत स्टिफ शोल्डर रहते हैं और ये ऐसे शेक करते हैं। जब ऐसे शेक करते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग शेक कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली, तो वो स्ट्रॉन्ग शेक है। बट आप जब एक मूवमेंट करके शेक करते हैं वो उनके लिए हार्ड शेक है। तो ये आपका जो 2-वे शेक है इसको वो लोग हार्ड शेक बोलते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस शेक से हम लोग कैसे कॉकटेल बना सकते हैं और क्या क्या यूजेस हैं। तो सपोज कीजिए अगर आपको किसी ब्राउन स्पिरिट को शेक करना है, अब ब्राउन स्पिरिट को शेक करने का मेथड डिफरेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब आप ब्राउन स्पिरिट को शेक करते हो, आपने कुछ डाला उसके साथ और आप ज़्यादा एक अलग तरीके से शेक करके देखिए, तो उसका जो फ्लेवर है वो सब चला जाएगा, एरोमा चला जाएगा, उसका जो नोट्स हैं वो सब चले जाएंगे। तो बेटर है एक तरीका यूज़ कीजिए जो कि मैंने किसी को देख के सीखा था, आप भी सीखिए। तो आप कैसा कर सकते हैं कि आप इसको एक ब्लॉक ऑफ आइस लीजिए बड़ा सा। आप बार्टेंडर, अगर प्रोफेशनल बार्टेंडर, आपको पता है ब्लॉक आइस क्या होता है, उसको पूरा ग्लास के अंदर डालिए और उसको कंटिन्यू शेक कीजिए। आप जो साउंड देख रहे हैं आइस जो अभी राइस का आ रहा है वो बहुत एक कंटिन्यूस साउंड है। तो उसी के साथ आप कीजिए, आपकी कॉकटेल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। सपोज कीजिए आप लोग कुछ सिट्रस डाल रहे हैं, ठीक है, और साथ में कोई वाइट स्पिरिट भी डाल रहे हैं, तो उसमें आप 2-वे शेकिंग यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप लोग कोई लिक्योर या शुगर सिरप या फिर आप उसमें वाइट स्पिरिट डाल रहे हैं, तीनों एक साथ डाले, तो आप वो कैसे कर सकते हैं? उसको करने के लिए आप लोग थ्री वे यूज कीजिए। तो आप देख सकते हैं थ्री वे टू वे। मैंने शायद इतने अच्छे से परफॉर्म ना किया हो या फिर अच्छे से किया भी हो, बट इसको ट्राई करने के लिए, उसको सीखने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। मैं भी बेटर हो रहा हूँ और शायद आप लोग भी बेटर होंगे, तो ये चीज़ ट्राई कीजिए। तो ये था आज का हमारा शेकिंग के बारे में, जिसमें आपने वाइट स्पिरिट को शेक करना सीखा, वाइट स्पिरिट को लाइम जूस के साथ स्पिरिट करने को सीखा, और उसके बाद आपने देखा कि ब्राउन स्पिरिट को कैसे शेक करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रशांत है, मैं बेवरेज इनोवेशन मैनेजर हूँ मॉनिन में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए कॉकटेल जॉकी, इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी बहुत सारी कॉकटेल्स को जानने के लिए और सीखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।